बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर ज़ाहिदा परवीन, पीएचडी स्पेशल एजुकेशन एंड वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लोअर माल कैंपस लाहौर। आई हैव कम्प्लीटेड माय पीएचडी डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर एंड प्रीवियसली आई हैव ऑल्सो टॉट इन यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर। This is the course of teaching of mathematics to visually impaired children, and this course belongs to Masters of Special Education with an area of specialization visual impairment. The course code is SPED 4137, and this is a 3 credit hours course. The title for today's lesson is Teaching Learning Aids in Mathematics. First of all, we will discuss a brief introduction of teaching aids, and then we will discuss the need of teaching aids. The process of teaching learning depends upon the different types of equipment available in the classroom called teaching learning aids. So when we are continuing teaching learning process inside the classroom, the whole equipment which teacher uses in the process of teaching learning is called as teaching learning aid. Every individual has the tendency to forget. Proper use of teaching aids helps to retain more concept permanently, because when teacher uses different teaching learning aids according to the interest of the students take more interest in the learning process, and hence their memory is sharpened when we use teaching learning aids in the process. Students can learn better when they are motivated properly through different teaching aids. Teaching aids develop the proper image when the students see, hear, taste and smell properly. क्योंकि जब हम teaching learning aids को class में use कर रहे होते हैं, so the students are using their all senses, and hence when they use they learn by using their senses, they develop proper image of, and you can say कि उनकी comprehension ज़्यादा अच्छी develop होती है, क्योंकि जब वो अपनी सेंसेस को यूज़ करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, फील करते हैं और प्रैक्टिकली उन चीज़ों के साथ काम करते हैं, तो उसके थ्रू जो है वो उनकी लर्निंग जब डेवलप होती है तो उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे डेवलप होते हैं. टीचिंग एड्स प्रोवाइड कंप्लीट एग्जांपल फॉर कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग. ठीक है, तो जब हम टीचिंग एड्स क्लास में यूज़ कर रहे होते हैं तो एक प्रॉपर एग्जाम्पल बच्चों को मिल रही होती है जिसके थ्रू वो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग करते हैं. The teaching aids create the environment of interest for the students. तो जो teaching aids होती हैं वो बच्चों के लिए एक classroom के अंदर उनका interest develop करती हैं. Teaching aids helps to increase the vocabulary of the students. क्योंकि जब हम teaching aids use करते हैं तो उससे हमारा जो teaching learning process होता है वो expand होता है. जब वो एक्सपेंड होता है और उसके बारे में जब हम बात करते हैं टीचिंग लर्निंग एड्स के बारे में क्लासरूम के अंदर, जब बच्चे टीचर यूज़ करवाता है और उसके बारे में जब बात करता है तो डिफरेंट वोकैबुलरी यूज़ होती है, और इस तरह से ओवरऑल बच्चे जो हैं वो चूँकि लर्न कर रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ों को के साथ काम करके, तो इस तरह उनकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज़ हो रही होती है. टीचिंग एड्स हेल्प्स द टीचर टू गेट सम टाइम एंड मेक लर्निंग परमानेंट. ठीक है, तो टीचर जो है वो उसके लिए क्लास में टाइम स्पेंड करना इजी हो जाता है जब उसके पास लर्निंग एड्स हों, और दूसरा ये कि उसको जो कॉन्सेप्ट उसको टीच करना होता है उसकी टीचिंग कंपैरेटिवली इजी हो जाती है, और इसी तरह से बच्चों की जो लर्निंग है वो बड़ी परमानेंट हो जाती है. टीचिंग एड्स प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स. तो एक प्रैक्टिकल प्रोवाइड करता है, टीचिंग एड्स जो होती हैं वो प्रैक्टिकल बच्चों के लिए प्रोवाइड करती हैं. सो इन पॉइंट्स को देखते हुए हम इस चीज़ को कंक्लूड करते हैं
के जो क्लासरूम्स होते हैं उसमें टीचिंग लर्निंग एड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नाउ वी विल डिस्कस इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिवेशन, टीचिंग एड्स मोटिवेट द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन लर्न बेटर। सेकेंडली दो जो इनकी इम्पॉर्टेंस का पॉइंट है दैट इज़ क्लैरिफिकेशन। थ्रू टीचिंग एड्स द टीचर क्लैरिफाई द सब्जेक्ट मैटर मोर ईजिली। तो सब्जेक्ट को जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन होती है वो काफ़ी ईजी हो जाती है विद द यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स। नेक्स्ट इज़ डिस्करेजमेंट ऑफ क्रैमिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इम्पॉर्टेंस है इसकी वजह से टीचिंग एड्स की। यूजुअली जो क्लासरूम टीचिंग होती है जिसमें डायरेक्ट टीचिंग मेथड्स अगर यूज़ हो रहे हो वो इन्वॉल्व कर रहे होते हैं क्रैमिंग को। लेकिन अगर हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टीचिंग लर्निंग एड्स को तो बेसिकली वो बच्चों की क्रैमिंग हैबिट को डिस्करेज कर रहे होते हैं, क्योंकि जब वो प्रैक्टिकल चीज़ें देखते हैं बच्चे तो उनकी लर्निंग इम्प्रूव होती है, उनकी मेमोरी इम्प्रूव होती है और वो उनकी कॉन्सेप्ट जो डेवलपमेंट होती है वो इम्प्रूव होती है। और जब कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है बच्चों की तो फिर वो कभी भी क्रैमिंग नहीं करते। सो टीचिंग एड्स कैन फैसिलिटेट द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग टू द स्टूडेंट्स विच डिस्करेज द एक्ट ऑफ क्रैमिंग। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज द वोकेबलरी। सो टीचिंग लर्निंग एड्स जो हैं वो बच्चों की वोकेबलरी इंक्रीज़ करती हैं क्लासरूम के अंदर। नेक्स्ट जो है वो दैट सेव्स टाइम एंड मनी। तो टीचिंग लर्निंग एड्स जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से क्लास में बच्चों का टाइम जो है वो काफ़ी सेव हो जाता है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती, क्योंकि हम क्लासरूम में डेली ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि डेली लाइफ से होती हैं और इजीली अवेलेबल होती हैं, या तो स्कूल के रिसोर्सेज में अवेलेबल होती हैं या टीचर कहीं ख़ुद से उनको अरेंज इजीली कर पा रहा होता है। तो जो इस तरह से सेव टाइम में किस तरह से करती हैं टीचिंग एड्स, वैसे तो अगर हम देखें तो टीचिंग एड्स जब हम क्लास में ओपन करते हैं या उसको यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। लेकिन जब हम विदाउट यूज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग एड्स पढ़ा रहे होते हैं तो वो काफ़ी हद तक वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाता है, क्योंकि समटाइम्स डायरेक्ट टीचिंग मेथड्स के थ्रू बच्चों को उस कॉन्सेप्ट की समझ ही नहीं आ रही होती। तो जो आप टाइम पढ़ाते हैं वो बेसिकली वेस्ट हो रहा होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट डेवलप ही नहीं हो रहा होता। तो बजाय इसके कि दोबारा आप उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए दोबारा से किसी और टेक्निक को यूज़ करें, तो टीचिंग लर्निंग एड्स को डायरेक्टली अगर यूज़ कर लिया जाए तो वो इस वेस्टेज ऑफ टाइम को रोक देता है। क्लासरूम लाइव एंड एक्टिव। तो जब टीचिंग एड्स क्लास में यूज़ कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से जो लर्निंग एनवायरनमेंट होता है वो काफ़ी एक्टिव होता है, लाइव होता है, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, हैप्पी होते हैं और मोटिवेटेड होते हैं। तो इसकी वजह से जो ओवरऑल क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है वो काफ़ी एक्टिव एनवायरनमेंट होता है। अवॉइड्स डलनेस। इंडिविजुअल लेवल पर भी जो बच्चे हैं, जो उनके ब्रेन, हर बच्चे का जो ब्रेन है उसमें कोई डलनेस नहीं होती, क्योंकि वो मोटिवेटेड होता है और चीज़ों को लर्न करने के लिए रेडी होता है। तो उस रेडीनेस की वजह से उसके जो ब्रेन है वो डल नहीं होता बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है इंडिविजुअल लेवल पर। डायरेक्ट एक्सपीरियंस बच्चों को प्रोवाइड कर रही होती हैं जो टीचिंग लर्निंग एड्स होती हैं। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग एड्स। डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट लिटरेचर जो है उसमें आपको डिफरेंट वेज में इसकी डिवीजन मिलेगी। जो टीचिंग लर्निंग एड्स हैं उनको डिफरेंट तरीके से डिवाइड किया गया है। जिस क्लासिफिकेशन को मैंने चूज़ किया है अकॉर्डिंग टू दिस, इसमें फाइव टाइप्स हैं टीचिंग लर्निंग एड्स की और काफ़ी इलेबोरेटेड हैं, सो आई हैव चूजन दिस। फर्स्ट वन इज़ विजुअल और यू कैन से वर्बल इज़ इंक्लूडेड ऑल्सो। विजुअल प्रिंट और डुप्लीकेटेड, ठीक है। तो इसमें हमारे पास टेक्स्ट बुक्स आती हैं, सप्लीमेंट्री बुक्स जो भी क्लासरूम में यूज़ हो रही होती हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, एनसाइक्लोपीडिया डिफरेंट क्लासरूम के अंदर जब हम यूज़ करते हैं दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन विजुअल लर्निंग एड्स। देन मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड क्लिपिंग्स, डुप्लीकेटेड रिटन मटीरियल्स, प्रोग्राम्ड लर्निंग मटीरियल एंड सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल्स एंड सम केस स्टडीज़ और केस रिपोर्ट्स। सो वट एवर इन द शेप ऑफ मटीरियल यू यूज़ इन द क्लासरूम इज़ विजुअल प्रिंट, जिसको हम कहते हैं। अगर प्रिंट में हम सिर्फ बात करें तो प्रिंट में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है कि जैसे आजकल जो है वो या कभी भी बच्चों को स्कूल्स में समर पैक्स मिलते हैं,
आजकल प्राइवेट स्कूल्स वाले जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, तो वो समर पैक्स जो हैं वो भी विजुअल प्रिंट टीचिंग लर्निंग एड्स में आती हैं। इसके अलावा जो है वो आज बच्चों को अब ऑनलाइन क्लासेस, चूँकि स्कूल्स वाले भी काफ़ी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उन बच्चों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने लर्निंग मटेरियल पैक्स बनाए हैं और डिफरेंट बच्चों के साथ वो शेयर कर रहे हैं। तो इवन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी ये टीचिंग लर्निंग एड्स विजुअल प्रिंट जो है इसको यूज़ किया जा रहा है। सेकेंड वन इज़ विजुअल एंड पिक्टोरियल, नॉट प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड, टू डायमेंशनल। ठीक है, इसमें कौन कौन से विजुअल में आते हैं? ब्लैक बोर्ड राइटिंग एंड ड्राइंग। तो जब हम ब्लैक बोर्ड को यूज़ करते हैं डिफरेंट राइटिंग्स और ड्राइंग्स वगैरह करने के लिए, तो दैट इज़ इंक्लूडेड इन विजुअल नॉन प्रोजेक्टेड टू डायमेंशनल। डिफरेंट चार्ट्स, पोस्टर्स, मैप्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स, फोटोग्राफ्स, कार्टून्स, कॉमिक स्ट्रिप्स, किसी भी तरह की जो ऐसी चीज़ें जो कि विजुअल हैं और पिक्टोरियल फॉर्म में हैं लेकिन प्रोजेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये सारी इनकी इलाहदा से एक क्लासिफिकेशन की गई है। नेक्स्ट, थर्ड टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग एड इज़ ऑडियो। सो इसमें ह्यूमन वॉइस भी है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, ऑडियो टेप्स, डिस्क, स्टीरियो रिकॉर्ड्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। ठीक है, तो इसमें सारी की सारी वो हमारी टीचिंग लर्निंग एड्स इंक्लूड होंगी, विच इंक्लूड्स ओनली ऑडियो। ठीक है, जिसमें जो विजन है या विजुअल जो इसका एस्पेक्ट होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता। तो कोई भी ऐसी वॉइस जो कि वहाँ लोग वो खुद प्रेजेंट नहीं है वो डिवाइस, लेकिन उसकी ऑडियो जो है वो सिर्फ यूज़ की जा रही है। तो जब सिर्फ ऑडियो हम यूज़ करते हैं तो दैट इज़ सेपरेटली क्लासिफाइड एज ऑडियो। फोर्थ क्लासिफिकेशन इज़ विजुअल नॉन प्रोजेक्टेड थ्री डायमेंशनल। ठीक है तो ये भी नॉन प्रोजेक्टेड लेकिन थ्री डायमेंशनल है। तो इसमें आते हैं हमारे पास मॉडल्स, मॉकअप है, डायोरामा है, ग्लोब्स, डिफरेंट रिलीफ मैप डेवलप किए जाते हैं, स्पेसिमेंस किसी भी चीज़ के कलेक्ट करके उसको क्लास में जब दिखाया जाता है, पपेट है, होलोग्राम है। तो इस तरह की सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो विजुअल हैं और नॉन प्रोजेक्टेड हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को इसमें ऑडियो विजुअल दोनों इंक्लूडेड होती हैं लेकिन ये नॉन प्रोजेक्टेड होता है। विजुअल प्रोजेक्टेड, ठीक है, और ये स्टिल में आता है। इसमें डिफरेंट स्लाइड्स जब हम यूज़ करते हैं तो ये प्रोजेक्टेड है, विजुअल है लेकिन प्रोजेक्टेड है। ठीक है, फिल्म स्ट्रिप्स अगर आप कोई भी यानी वीडियोस दिखा रहे हैं क्लास के अंदर, ट्रांसपेरेंसी जो एक पुराना मेथड होता था, प्रोजेक्टर यूज़ किया जाता था और उसमें ट्रांसपेरेंसीज यूज़ की जाती थी, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर्स जो यूज़ होते थे उसको हम ये वो है। माइक्रो फिल्म्स हैं, माइक्रो कार्ड्स हैं, ये डिफरेंट जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं ये क्लास के अंदर अगर यूज़ की जा रही हैं, एंड फाइनली कंप्यूटर। तो ये विजुअल है और प्रोजेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट, ये ऑडियो विजुअल प्रोजेक्टेड। ठीक है, ये विद मोशन होता है। तो मोशन पिक्चर फिल्म्स जो भी हमारे पास यूज़ होती हैं, टेलीविज़न है, क्लोज सर्किट टेलीविज़न क्लासरूम्स के अंदर अगर यूज़ किए जा रहे हैं, वीडियो कैसेट्स हैं, मल्टीमीडिया कंप्यूटर है, स्लाइड टेप प्रेजेंटेशंस हैं, तो इस तरह की जो भी हमारे पास ऐसी जब हम विजुअल ऑडियो विजुअल जिसमें दोनों एक तो यूज़ हो रहे होते हैं और ये प्रोजेक्टेड होता है, तो जो विजुअल सिर्फ होता है उसमें ऑडियो इंक्लूडेड नहीं होती। ठीक है, लाइक जैसे हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें ऑडियो यूज़ नहीं हो रही होती, लेकिन जो ऑडियो टीचर की है सिर्फ वो यूज़ हो रही होती है। तो लेकिन जो हम ऐसी वीडियोस टीवी पर दिखा रहे होते हैं या मल्टीमीडिया वगैरह पर दिखा रहे होते हैं या कंप्यूटर टेलीविज़न पर दिखा रहे होते हैं, तो उसमें जो ऑडियो है वो यानी बिल्ट इन होती है और वो यूज़ हो रही होती है, तो उसको हम फिर इसको अलग से क्लासिफाई किया जाता है ऑडियो विजुअल प्रोजेक्टेड। नाउ वी विल डिस्कस फाइव बेस्ट एड्स फॉर मैथमेटिक्स। थोड़ा सा स्पेसिफाई अब हम करेंगे ऐसी एड्स जो कि मैथमेटिक्स की क्लासरूम में ज़्यादा यूज़ होती हैं उसके बारे में। दीज आर ब्लॉक्स, रॉड्स एंड फ्लैट्स फॉर नंबर्स एंड ऑपरेशंस। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स यूज़ किए जा सकते हैं, रॉड्स हैं, फ्लैट्स हैं, तो ये डिफरेंट नंबर्स और ऑपरेशंस को पढ़ाने के लिए
ये टेक्निक्स सॉरी ये टीचिंग एड्स यूज़ किए जा सकते हैं. सेकेंडली टैब्स टू बिल्ड मेंटल एजिलिटी. सो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं लाइक टैब्स कंप्यूटर्स ये फ्रीक्वेंटली यूज़ करने चाहिए मैथमेटिक्स की क्लासरूम में, क्योंकि इससे मेंटल एजिलिटी यानी मेंटल कैपेसिटी और एक जो होता है ना मेंटल क्यूरियोसिटी वो डेवलप होती है बच्चों के अंदर. तो जो ऐसी डिफरेंट टैब्स वगैरह होते हैं जो डिजिटल एड्स होती हैं वो क्लासरूम में मैथ्स की क्लासरूम में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि क्विकली गेम्स की फॉर्म में बच्चे क्लासरूम के अंदर परफॉर्म कर लेते हैं और हैप्पीली उसको इंजॉय भी करते हैं. तो इस वजह से टैब्स वगैरह जो हैं इनको क्लास में मैथ्स में यूज़ किया जा सकता है. ब्लॉक्स टू लर्न फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स. तो जैसे ये प्री सेक्शंस वगैरह होते हैं या हमारे पास जो अप टू प्राइमरी लेवल उसमें डिफरेंट फ्रैक्शंस और डेसिमल्स और बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स जिनको जो ब्लॉक्स हैं होते हैं जो कि प्ले ग्रुप वगैरह में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उस वक्त बेसिक मैथ पढ़ाने के लिए भी बच्चों के साथ यूज़ किए जाते हैं. तो वो टिपिकल जो ब्लॉक्स होते हैं वो काफ़ी ग्रेड्स के अंदर बार बार उनको यूज़ किया जा सकता है और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट कभी भी ख़त्म नहीं होता. तो ब्लॉक्स में जब ऊपर काउंटिंग वगैरह लिखी होती है, इवन जो सिंपल ब्लॉक्स होते हैं उनमें तो सिंपल काउंटिंग लिखी होती है, लेकिन अब तो बहुत से ऐसे एडवांस्ड ब्लॉक्स भी मौजूद हैं जो कि मैथ्स में काफ़ी यूज़ किए जा सकते हैं. लाइक उसमें सिर्फ जो है वो काउंटिंग नहीं लिखी होती बल्कि उसमें अब बहुत से मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो डिफरेंट ब्लॉक्स के ऊपर दिए हुए होते हैं और उनको मैच करना होता है. जैसे मल्टीप्लिकेशन वगैरह टेबल्स हैं और प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें सॉल्व हुई हुई होती हैं. उसके अलावा जो है वो नेक्स्ट पजल्स टू बिल्ड रीजनिंग. तो रीजनिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए फ्रीक्वेंटली मैथ्स की क्लासरूम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल्स यूज़ करने चाहिए. ये सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स पजल्स तक हो सकते हैं. तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अकॉर्डिंग टू द ग्रेड लेवल टीचर जो है उसको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज़ करता जाता है. तो सिंपल पजल्स से लेकर कॉम्प्लेक्स पजल्स तक जो हैं वो मैथमेटिक्स की क्लास में यूज़ किए जा सकते हैं. और बेसिकली इन पजल्स का जो पर्पज़ है वो रीजनिंग स्किल्स डेवलप करना होता है, क्योंकि पजल्स को सॉल्व करना और जब पजल्स को सिर्फ सॉल्व करना जा रहा है वो एक गेम के तौर पर भी बच्चे उसको ले रहे होते हैं और उसमें जब हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स पजल्स में कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी यूज़ हो रहे होते हैं. तो के उनको यूज़ करके जो आंसर्स आते हैं उसके थ्रू उन्होंने पजल्स को सॉल्व करना होता है. तो इस तरह से डिफरेंट जो पजल्स हैं उनको जब हम यूज़ करते हैं तो बच्चों की रीजनिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती हैं. नेक्स्ट वन इज़ 3D शेप्स. तो 3D शेप्स जो हैं वो चूँकि मैथ्स की जो क्लासरूम होती है उसमें अगेन वही चीज़ है कि एक कोई भी जो कॉन्सेप्ट होता है वो सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स लेवल तक जैसे जैसे ग्रेड्स ऊपर जाते जाते हैं तो वो कॉन्सेप्ट भी डिफ़िकल्ट होता जाता है और कॉम्प्लेक्स होता जाता है. लाइक सिंपल जो मैथमेटिक्स में शेप्स का कॉन्सेप्ट है जो कि अर्ली ग्रेड्स में पढ़ाया जाता है जैसे ट्रायंगल वगैरह है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, तो ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ाते हैं तो वहाँ से लेकर शुरू से ही हम 3D शेप्स को यूज़ कर सकते हैं. और इसी तरह से कॉम्प्लेक्स लेवल में जब हम जाते हैं तो जैसे अगर आपको याद हो तो मैट्रिक में जब आपने ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करते हैं तो उस ज्योमेट्री में डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर रहे होते हैं हम और डिफरेंट लेंथ्स और मेजरमेंट्स जो दी होती हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें ड्रॉ कर रहे होते हैं. सो ये डिफरेंट इसके अलावा भी और बहुत सी ऐसी एवियड्स हो सकती हैं जो कि मैथ्स के साथ स्पेसिफिक हो सकती हैं, लेकिन ये दीज फाइव आर फ्यू ऑफ देम और इनको फ्रीक्वेंटली मैथ्स के क्लासरूम में यूज़ किया जा सकता है. और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बच्चे जो हैं वो इंजॉय भी करते हैं और प्लस मैथ्स की जो कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए भी टीचर्स जो हैं उनके लिए हेल्पफुल होता है कि वो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट जब उन्होंने लाइक फ्रैक्शंस वगैरह हैं तो वो पढ़ाने होते हैं जब बच्चों को तो वो सिर्फ ब्लैक बोर्ड वगैरह के थ्रू उनको समझ नहीं आ सकती क्योंकि फ्रैक्शंस जो हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होता है. तो इस तरह से अगर छोटी छोटी चीज़ें क्लासरूम के अंदर यूज़ करके मैथ्स की क्लासरूम को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाया जा सकता है जो कि बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है. अगेन आपकी कोर्स आउटलाइन में कुछ और भी स्पेसिफिकली भी उन्होंने दिया हुआ था स्ट्रक्चर्ड
लर्निंग टीचिंग लर्निंग एड्स एंड अनस्ट्रक्चर्ड टीचिंग लर्निंग एड्स। तो जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि जो क्लासिफिकेशन है टीचिंग लर्निंग एड्स की, जब हम उसको टाइप्स में डिवाइड करते हैं तो वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मौजूद हैं। सिंपली आपको बहुत सी वेबसाइट्स के ऊपर सिंपल थ्री की क्लासिफिकेशन मिलेगी कि ऑडियो एड्स होती हैं, विजुअल एड्स होती हैं और ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं, जिसमें तीन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन अभी हमने इस लेक्चर में जितना प्रीवियसली डिस्कस किया उसमें हमने सिक्स टाइप्स को डिस्कस किया है, जिसमें जो गेन मैं थोड़ा सा आपको उसका रिवाइज करवा दूँ कि जो हमने अभी तक एड्स डिस्कस की हैं उसमें कौन कौन सी एड्स हमारे पास मौजूद थी। विजुअल जो वर्बल वर्बल के साथ होती हैं, ठीक है, उसके अलावा जो है वो विजुअल जो पिक्टोरियल के साथ होते हैं, और देन ऑडियो आता है हमारे पास, और उसके बाद विजुअल नॉन प्रोजेक्टेड आते हैं थ्री डायमेंशनल, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो विजुअल प्रोजेक्टेड आ जाता है फिर, लेकिन ये स्टिल के साथ होता है, और फाइनली हमारे पास था ऑडियो विजुअल प्रोजेक्टेड विद मोशन। तो इस तरह से सिक्स की डिवीजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस क्लासिफिकेशन को। लेकिन एक ही पर्सपेक्टिव नहीं होता, एक दूसरा पर्सपेक्टिव जो आपकी कोर्स आउटलाइन में डिस्कस किया हुआ है वो स्ट्रक्चर्ड टीचिंग लर्निंग एड्स और अनस्ट्रक्चर्ड टीचिंग लर्निंग एड्स का है। सो नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट आर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्टिविटीज़ और टीचिंग लर्निंग एड्स। दीज हैव अ क्लियर बिगिनिंग मिडल एंड एंड, ठीक है। तो इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं जो कि जिसकी बिगिनिंग मिडल और एंड जो है वो क्लियरली सेपरेटेड होता है। देर इज़ जनरली अ रूल और सेट ऑफ रूल्स एंड ईच पीस और टाइप ऑफ पीस प्लेज अ क्लियर रोल इन द कम्प्लीशन ऑफ द प्ले एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्टिविटीज़ हम क्लासरूम में करवा रहे होते हैं तो उसमें प्रॉपर रूल्स फॉलो हो रहे होते हैं। हर जो एक रोल होता है उसका एक क्लियरली उसको डिफाइंड रोल होता है, और सारे रोल्स मिलकर जो है वो ओवरऑल उस एक्टिविटी को कंप्लीट कर रहे होते हैं। द मटेरियल्स देमसेल्व्स ऑफन इंडिकेट द इंस्ट्रक्शनल मेथड्स और स्किल्स नीडेड टू कंप्लीट द टास्क। सो जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे होते हैं, हमने देखा कि मटेरियल्स देमसेल्व्स ऑफन इंडिकेट द इंस्ट्रक्शनल मेथड्स और स्किल्स नीडेड टू कम्प्लीट द टास्क। तो इसके अंदर जो भी मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे होते हैं वो खुद इंडिकेट कर रहा होता है कि जो आपका इंस्ट्रक्शनल मेथड इसके लिए कौन सा यूज़ होगा, और जो इसमें कौन सी स्किल्स हैं जो कि बच्चों के लिए भी उनको सीखना ज़रूरी है, और वो चीज़ आती होगी तो फिर ही वो यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगी कि जैसे अगर आप ज्योमेट्री, जब हम सॉल्व ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं तो अगर आपको याद हो तो उसमें काफ़ी बेसिक इक्विपमेंट ज्योमेट्री का यूज़ होता है क्लासरूम के अंदर। अब वो जो इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे होते हैं उसका यूज़ बच्चों को आना चाहिए। जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल कंपस यूज़ कर रहे हैं क्लासरूम के अंदर, तो कंपस जब एक टीचर निकालेगा और वो किसी एक्टिविटी के अंदर आगे जाकर यूज़ होगी तो उसको यूज़ करने की जो स्किल है वो बच्चे को आनी चाहिए, ठीक है। और जैसे ही आप ज्योमेट्री बॉक्स निकालते हैं क्लासरूम के अंदर तो अपेरेंटली टीचर स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि इसका मतलब है आज हम कोई प्रैक्टिकल चीज़ें करने वाले हैं, कुछ ड्रॉ करने वाले हैं, क्योंकि टीचर जो है वो आज ज्योमेट्री बॉक्स लेकर आया है क्लास में। और जाहिर है जो टीचर एवीएट्स के तौर पर टीचिंग एड यूज़ करेगा, ज्योमेट्री बॉक्स यूज़ करेगा, वो सैम्पल होते हैं और काफ़ी बड़े उनका साइज़ में बड़े होते हैं। तो उसको जब आके टीचर अपने टेबल पर रखता है और एक्सप्लोर करता है बच्चों के सामने, तो अल्टीमेटली बच्चों के जहन में फ़ौरन से आ जाता है कि आज हम कौन से कोई टीचिंग मेथड जो है वो यानी लेक्चर मेथड या कोई डायरेक्ट टीचिंग मेथड नहीं यूज़ होने जा रहा, बल्कि कोई प्रैक्टिकल टीचिंग मेथड यूज़ होने जा रहा है। सो जो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं या स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एड्स होती हैं जो कि टीचर खुद डेवलप करके लेकर आया होता है, तो उसको उसके थ्रू जो है वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीखते भी हैं और एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट के अंदर वो सीख रहे होते हैं। और एक्टिविटीज़ का यहाँ स्पेसिफाई किया गया है कि अगर आप स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्टिविटीज़ प्लान करें तो यानी अगर आपने कोई ऐसा ड्रामा या कोई ऐसा एक रोल प्ले डिसाइड किया है क्लास के अंदर के बच्चों ने उसको रोल प्ले करना है, जैसे मनी का कॉन्सेप्ट है, और मनी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कई दफ़ा क्लास में ये एक आम सी एक्टिविटी है कि कुछ बच्चों को शॉपकीपर बना दिया जाता है, कुछ बच्चे जो होते हैं उनको कस्टमर बना दिया जाता है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जब क्लास के अंदर प्लान की जाएँ और बड़ी स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान की जाएँ, और ऐसी एक्टिविटीज़ का एक प्रॉपर बिगिनिंग होती है, मिडल होता है और एंड होता है, तो उसमें उसको प्रॉपरली डिवाइड करके जब क्लास के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं तो दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्टिविटीज़।
Next one is unstructured learning activities. These are open-ended. दे आर नॉट रूल गवर्नड, ठीक है, इसमें कोई ऐसा सच स्पेसिफिक रूल्स नहीं होते कि कौन कस्टमर बनेगा, कौन जो है वो शॉपकीपर बनेगा, किस तरह की एक्टिविटी होगी, कैसे परफॉर्म किया जाएगा, जो है मनी का कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए, जो है वो जब एक बच्चा जो है वो पैसे देता है तो दूसरा बच्चा उसको कीमत बताता है और उसमें से उसके जो कैश बैक होता है वो उसको पे करता है, लेकिन इसमें जो है वो को प्रॉपर रूल्स नहीं होते, एक्टिविटीज़ इसी तरह से चल रही होती हैं हैपेजर्ड. दे रिलाई ऑन द यूज़ ऑफ अ चाइल्ड्स इमेजिनेशन टू इंगेज विद वेरियस लर्निंग मटेरियल्स, ठीक है, तो मटेरियल्स, लर्निंग मटेरियल्स बच्चों को क्लास के अंदर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और उसके बाद ओपन छोड़ दिया जाता है बच्चों की इमेजिनेशन के ऊपर कि बच्चे खुद से देखें कि इन लर्निंग मटेरियल्स को यूज़ करके किस तरह की एक्टिविटीज़ प्लान की जा सकती हैं, परफॉर्म की जा सकती हैं और किस तरह से कौन से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया जा सकता है. चिल्ड्रन ऑफन क्रिएटिवली कम्बाइन लॉट्स ऑफ पीसेस फ्रॉम डिफरेंट प्ले सेट्स एंड एजुकेशनल मटीरियल्स टू क्रिएट समथिंग न्यू, तो इसमें बच्चे को फ्री हैंड दिया जा रहा होता है और वो कोई भी अपनी मर्ज़ी से जो भी आपने लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किया है उससे अपनी मर्ज़ी से उसको यूज़ कर सकता है. इसमें दो चीज़ें होती हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्टिविटीज़ में बच्चे जो आपका प्रोवाइडेड मटेरियल होता है उसको समटाइम्स प्रीवियस जो उसने लर्न कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको रिवाइज करने के लिए यूज़ करता है, ठीक है, लेकिन जो बच्चे जिनकी रीजनिंग स्किल्स ज़्यादा अच्छी हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ज़्यादा अच्छी डेवलप हुई हुई होती हैं तो वो जो आप वो क्या करेंगे कि वो आपका जो गिवन मटेरियल है उसको ज़्यादा एक इनोवेटिव वे में कोई भी नई जो एक कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ करेंगे. तो ये दोनों तरह से यूज़ हो सकता है कि समटाइम्स बच्चे इसको प्रीवियस लर्निंग मटीरियल को प्रीवियस लर्निंग के साथ रिलेट करके उसको रिवाइज और प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ करते हैं और समटाइम्स ये भी होता है कि बच्चे जो हैं जब आप मटीरियल प्रोवाइड करते हैं तो उसे मिलकर उसको नए तरीके से एक्सप्लोर करते हैं और कुछ नया कोई नया कॉन्सेप्ट जो है उसको एक्सप्लोर करके उसको लर्न करने की कोशिश करते हैं. सो दिस वॉज एनदर फेस ऑफ डिवीजन ऑफ टीचिंग लर्निंग एड्स. तो हमने देखा कि स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं और अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग टीचिंग लर्निंग एड्स भी यूज़ हो रहे होते हैं. तो दोनों तरह से जो एड्स हैं उनको यूज़ किया जा रहा होता है क्लास में. इसके अलावा जो है वो टीचिंग लर्निंग एड्स में एक चीज़ ये भी होती है कि जो भी टीचर जो है वो समटाइम्स ये होता है कि आप लर्निंग एड कोई बहुत अच्छी अरेंज कर लेते हैं, स्कूल की लैब से ले लेते हैं या ख़ुद से मेहनत करके टीचर बना कर लाते हैं, लेकिन उनका यूज़ जो है वो उसका बेसिक पर्पस उसको मीट नहीं कर रहे होते. तो हमेशा जो टीचिंग लर्निंग एड्स होती हैं उनका पर्पस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए कि जिस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ाने के लिए वो एड यूज़ की जा रही है उसमें उसका पर्पस ये है कि वो बच्चों को वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. तो अगर जो है वो आपकी टीचिंग लर्निंग एड बहुत बच्चों को मोटिवेट भी कर रही है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी है, लेकिन बेसिक अपने पर्पस को अगर वो मीट नहीं कर रही और बच्चे सिर्फ उससे खेल के और उसको इंजॉय करके बस टाइम पास कर रहे हैं तो फिर वो यूज़लेस हो जाएगी. तो यूज़फुल टीचिंग लर्निंग एड्स जो हैं उनको बनाना पड़ता है और वो तभी होंगी जब वो अपना बेसिक पर्पस जो कि लर्निंग का पर्पस है उसको मीट कर रही होंगी. तो फिर बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे और क्लासरूम जो है वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट के साथ क्लासरूम डेवलप होगा. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच.